हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की सब्जी। हमने 1 किलो मूली ली थी, इसको हमने धो के काट लिया था। ये हमने एक आप चाहे तो आप बात को भी धो सकते हैं काटने के बाद। ये हमने एक छोटी प्याज ली है, इसको भी हमने काट लिया है। ये हमने आधा टमाटर लिया है, इसको भी हमने काट लिया है। 10 से 15 हमने हरी मिर्चे ली है, इसको भी हमने काट लिया है। ये हमने 1 चम्मच जीरा लिया है। पहले हम ये देखिए, मूली हमने इस तरीके से काटी है। अब हम इसको पहले उबालते हैं कुकर में। ये देखिए, मूली को हमने कुकर में डाल दिया है। ये हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। ये 1 गिलास हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 सीटी लगाएंगे। ये देखिए, गैस को हमने ऑन कर दिया है, कुकर हमने गैस पे रख दिया है। इसमें हम 2 से 3 सीटी लगाएंगे। ये देखिए, हमारे कुकर में 2 से 3 सीटी आ चुकी है, मूली हमारी गल चुकी है। ये देखिए, अब हम इसको चलनी में निचोड़ने के लिए रख देते हैं, जो भी इसका पानी है वो निकल जाएगा। ये देखिए, मूली का पानी हमारा निकल चुका है। अब हम इसको बनाएंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दी है। आप चाहो तो आप किसी भी चीज में बना सकते हो। ये देखिए, कढ़ाई को हमने गर्म करने रख दिया था। ये 1 बड़ा चम्मच हम भर के तेल डाल रहे हैं। तेल को हम गरम होने देंगे। ये देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम ये जीरा डाल देंगे। ये देखिए, जीरा हमारा हो रहा है। इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। गैस हमने स्लो कर रखा था, अब हम इसे फुल आंच पे करेंगे और ये हल्की हल्की फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी फ्राई हो रही है। इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे। इसमें हम ये हरी मिर्च डाल देंगे। ये देखिए, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। हमें ज्यादा नहीं करनी है, हल्की फ्राई करनी है। इसमें हम ये अपनी मूली डाल देते हैं। मूली को हमने डाल दिया है। इसमें हम ये 1 चम्मच नमक डालते हैं, ये 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसको हम इस वाले चम्मच से फ्राई करते हैं। ये देखिए, हम मूली को इस तरह से मिलाएंगे जिससे हमारा नमक और मिर्च सब में हो जाए मूली में। देखिए, ये देखिए, मूली को हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। बन तो चुकी है ये, बस हमें 5 मिनट के लिए ढकना है। जो भी इसमें पानी होगा वो सब सूख जाएगा। ये देखिए, 5 मिनट के लिए हमने ढक दिया। 5 मिनट के बाद इसको देखेंगे। ये देखिए, हमारी मूली की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए, हमारी मूली की सब्जी बन चुकी है। अब हम इसको एक दफा चलाते हैं और फिर हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारी मूली की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।